in this video, we are going to differentiate the words interpretation and construction. इस वीडियो में हम इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन इन दोनों वर्ड्स के बीच के फाइन डिफरेंस को समझेंगे और हम ये भी समझेंगे कि किस हद तक इन दोनों वर्ड्स को एक दूसरे के सिनोनिम के तौर पर यूज किया जाता है. टू व्हाट एक्सटेंट दीज टू वर्ड्स आर यूज्ड एज सिनोनिम ऑफ ईच अदर. और मोस्ट ऑफ द पीपल्स का क्या व्यू पॉइंट है रिगार्डिंग द यूज ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन. अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने इंटरप्रिटेशन वर्ड को डिटेल में समझा. हमने ये जाना कि ब्लैकस्टोन सालमन किस तरह से इंटरप्रिटेशन को डिफाइन करते हैं. और अपने दूसरे वीडियो में हमने स्टैट्यूट के मीनिंग को समझा इन अ डिटेल वे. दिस इज थर्ड वीडियो लेक्चर ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स. और इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज्यादा रिपीटेडली आने वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, विच इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन. अगर आप प्रीवियस 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर उठाते हो तो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ आपको मिलेगा, आप भले ही किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी से हो. इस क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है और ये जो क्वेश्चन है हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है, तो वीडियो भी लॉन्ग होने वाला है. और इस वीडियो में हम इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन के बीच का जो डिफरेंस है उसे बहुत ही डिटेल्ड वे में समझेंगे. अगर आप मेरे इस वीडियो को फ्रॉम स्टार्टिंग टिल द एंड देखते हो, समझते हो, तो आपको अदर वीडियोस नहीं देखने होंगे. अगर आपको इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ नोट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं. राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं. टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है वो है डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन. राइट, डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन. Although the words interpretation and construction convey the same meaning to a common man and are used interchangeably and synonymously by many, but there exists a fine difference between the two. तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि हालांकि जो वर्ड इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन है इनका सेम मीनिंग है. अगर हम कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से बात करें, एक आम आदमी क्या सोचता है इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन को लेकर के, और एक कॉमन मैन हमेशा इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन को एक दूसरे के सिनोनिम के तौर पर यूज करता रहा है, इन्हें एक दूसरे के स्थानों पर यूज करता रहा है. लेकिन देयर इज फाइन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स, इन दोनों शब्दों के बीच एक फाइन लाइन ऑफ डिफरेंस है. हाँ, ये हार्ड है इन दोनों वर्ड्स के बीच के डिफरेंस को फाइंड आउट करना, लेकिन ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल नहीं है. और आज के इस वीडियो में हम इन दोनों वर्ड्स के बीच के डिफरेंस को ही फाइंड आउट करेंगे. राइट, सबसे पहले हम बात करेंगे कूले के पॉइंट ऑफ व्यू को. कूले इज एन इंग्लिश राइटर. कूले कहते हैं कि इंटरप्रिटेशन डिफर्स फ्रॉम कंस्ट्रक्शन. कूले कहते हैं कि जो इंटरप्रिटेशन है ये कंस्ट्रक्शन से अलग है. इंटरप्रिटेशन
इंटरप्रिटेशन इज द आर्ट ऑफ फाइंडिंग आउट द ट्रू सेंस ऑफ एनी फॉर्म ऑफ वर्ड्स. तो व्हाट इज इंटरप्रिटेशन? इट इज एन आर्ट ऑफ फाइंडिंग आउट ट्रू सेंस, ट्रू सेंस ऑफ वर्ड्स. That is the sense which the author intended to convey. तो इंटरप्रिटेशन में हम बेसिकली जो वर्ड्स हैं उनके ट्रू सेंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. और हमने अपने फर्स्ट वीडियो में ये समझा कि जो जुडिशरी है जो इंटरप्रिटेशन का काम करती है उसे प्रायोरिटी देना है कि लेजिस्लेचर के इंटेंशन को डिराइव किया जाए. वॉइल इंटरप्रेटिंग द लॉ और वॉइल इंटरप्रेटिंग द स्टैट्यूट, राइट? That is the sense which their author intended to convey. The true sense of words का मतलब ये है कि जो author है वो क्या कहना चाहता है, इन words के किस meaning को वो author derive करना चाहता है, उस process को adopt करना ही interpretation कहलाता है, according to Poole, right? And of enabling others derive from them the same idea which the author intended to convey. और दूसरे पर्शंस को इनेबल करना कि वो पर्शंस भी ऑथर के इंटेंशन को ही उन वर्ड्स में खोजे, राइट? तो इट इज व्हाट इट इज इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशन ये क्या है? इंटरप्रिटेशन है. कंस्ट्रक्शन क्या? व्हाट इज कंस्ट्रक्शन? कंस्ट्रक्शन ऑन द अदर हैंड is drawing of conclusion of respective subjects. It is what? It is basically drawing of conclusion. Yeah. Finding out spirit of the words used. जो words use में लाए गए हैं उन words का conclusion क्या निकला? It is all about conclusion. It is all about finding the spirit of the words used. Right. That lie beyond the direct expression of the text from elements none from and given in the text conclusions which are in the spirit though not within the letter of the law. So, yahan basically jo ambit hai construction ka, it is what? It is wider than इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशन में हम लेजिस्लेचर के इंटेंशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, जो भी वर्ड्स यूज में लाए गए हैं उन वर्ड्स के ट्रू मीनिंग को, उन वर्ड्स के नेचुरल मीनिंग को फाइंड आउट करके. लेकिन कंस्ट्रक्शन का जो प्रोसेस है वो इंटरप्रिटेशन से बियॉन्ड चला जाता है. बिकॉज हियर वी आर गोइंग टू कंक्लूड, हियर we are going to find out the spirit of the words used, right? कब construction का काम करती है उसे भी अभी हम समझेंगे, right? It is all about finding out the spirit of the words used. It is all about drawing the conclusion. While interpretation is all about an art of finding out the true sense of the words by deriving their natural meaning and by finding out the intention of legislation, right? Okay. अच्छा, कूले का ये जो point of view है regarding the difference between interpretation and construction, इसे Supreme Court के द्वारा support किया गया in Sea Customs Act. Supreme Court supported this viewpoint of Kule in Re Sea Customs Act. Here, जो word Re है, R-E, इसका मतलब होता है in matter of. तो अच्छा होगा कि आप एग्जाम में इस लाइन को यूज करो. Supreme Court supported this viewpoint of Kule in Re Sea Customs Act.
इन प्लेस ऑफ इन मैटर ऑफ सी कस्टम्स. एंड कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स वर्सेस हस्मातु निसा बेगम. कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स वर्सेस हस्मातु निसा बेगम. राइट. तो सुप्रीम कोर्ट ने पुले के इस पॉइंट ऑफ व्यू को यानी इस डिफरेंस को रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन सपोर्ट किया इन री सी कस्टम्स एक्ट एंड कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स वर्सेस हस्मातु निसा बेगम. राइट. बट इन कॉमन यूसेज दीज वर्ड्स आर टेकन एज सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर एंड आर ऑल्सो यूज्ड सिनोनिमसली. लेकिन आमतौर पर इन दोनों ही वर्ड्स को हम सिनोनिम के तौर पर यूज करते हैं. एज वॉइट जे ऑब्जर्व इन यूनाइटेड स्टेट वर्सेस एफ डब्ल्यू पीटर. ठीक है. वॉइट जे ने यूनाइटेड स्टेट वर्सेस एफ डब्ल्यू पीटर में ये कहा है. मैं नहीं देता हूं. वॉइट जे इन यूनाइटेड स्टेट वर्सेस एफ डब्ल्यू पीटर ये कहा है कि that in common usage interpretation and construction are usually understood as having the same significance. commonly hum interpretation aur construction ko ye samajhte hain ki dono words ka jo significance hai jo importance hai wo same hai. also this distinction has been largely restricted to the realm of academic discussion. ye jo humne discussion किया कि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन. इस डिफरेंस को बेसिकली हमने लिमिट किया है ओनली इन एकेडमिक्स. केवल एकेडमिक्स तक ही केवल थ्योरेटिकली इस डिफरेंस को समझा जाता है जाना जाता है. लेकिन प्रैक्टिकली इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन को एक दूसरे के सिनोनिम के तौर पर यूज में लाया जाता है और इन दोनों वर्ड्स का सेम सिग्निफिकेंस है इन द वर्ड्स ऑफ वाइट जे इन यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस एफ डब्ल्यू पीटर. स्विट्जरलैंड तो यहां तक कहते हैं कि दिस डिस्टिंक्शन एज एरोनियस. स्विट्जरलैंड क्या कहते हैं? स्विट्जरलैंड कहते हैं दिस डिस्टिंक्शन ये जो डिफरेंस हमने समझा इज एरोनियस. क्या है? कि फॉल्टी है, इनअप्रोप्रिएट है, इम्परफेक्ट है, इनकरेक्ट. क्या डिफरेंस? तो ये डिफरेंस कि कंस्ट्रक्शन इज ड्रॉइंग ऑफ कंक्लूजन फाइंडिंग आउट द स्पिरिट ऑफ वर्ड्स यूज्ड एंड इंटरप्रिटेशन इज आर्ट ऑफ फाइंडिंग आउट द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड्स. ठीक है. ये जो डिफरेंस है ये टोटली इररेनियस है. किसने कहा? स्विट्जरलैंड ने कहा. देयरफॉर द डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू इज लार्जली थियोरेटिकल एंड फॉर्मल. प्रैक्टिकली दे आर यूज्ड इंटरचेंजेबली एंड सिनोनिमसली. तो ये जो डिस्टिंक्शन है थियोरेटिकल मैनर में हम इसे समझेंगे इस तरह से, लेकिन प्रैक्टिकली इन दोनों वर्ड्स के बीच कोई डिफरेंस नहीं है. इन दोनों वर्ड्स को एक दूसरे के सिनोनिम के तौर पर यूज में लाया जाता है. दीज वर्ड्स आर यूज्ड एज इंटरचेंजेबली. ठीक है. अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और इन दोनों वर्ड्स के बीच के डिफरेंस को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को भी लेकर के चलना है. प्रैक्टिकली तो हमने ये समझ लिया कि मोस्ट ऑफ द पीपल इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन को सेम मानते हैं, लेकिन क्योंकि हम लॉ स्टूडेंट हैं और हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स को पढ़ रहे हैं, तो दिस इज आवर ड्यूटी टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन. तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपने इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन के बीच के डिफरेंस को इन डीप समझने की कोशिश करेंगे. अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए. बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. और लास्ट में यही कहूंगा कि अगर आपको इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप
मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।